हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल वंस अगेन। जैसा कि लास्ट वीडियो में आपने देखा था, हमने एक बीगल लाया अपने घर। सबके सजेशन से हमने उसका नाम लूना रखा है। लूना इसलिए क्योंकि ये क्यूट है और छोटा भी है, तो बुलाने में आसानी रहेगी। तो आज हम दिखाएंगे कि आप अगर नया पपी लेके आएँ 45 डेज़ या उसके ऊपर का, तो आप उसको रखें कैसे। आप भी वैसा ही सेटअप बना सकते हैं जैसा हमने बनाया है। काफ़ी ये पॉकेट फ्रेंडली और घर की चीज़ों से ही हमने बनाया है, बाकी आपकी मर्ज़ी है। पहले हमने एक अपने रूम को क्लीन कर लिया अच्छे से, जिसमें उसे रखना है हमें। फ्लोर पे कोई भी छोटे पार्टिकल्स नहीं होने चाहिए जो कि वो खा जाए या निकल जाए। स्टार्टिंग के 3 महीने थोड़े ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है इन पे। लूना को मैं जब लेके आया था तो मैं ये बास्केट में लेके आया था, तो शुरू के कुछ दिन तो मैंने यही यूज़ किया एज़ अ क्रेट। दिन में रूम में खुला छोड़ देता था और रात में इसमें डाल देता था। ये बास्केट हमने 350 का लिया था। फिर मैंने क्या किया, एक पुराना गद्दा पड़ा हुआ था घर पे, तो उसको मैंने बेड बना दिया। उसके ऊपर मैंने कॉटन का बैग डाल दिया, तो इससे ये होगा कि फ्यूचर में ये गंदा भी होता है तो हम ये बैग उतार के नया बैग लगा सकते हैं। जो आजकल इको फ्रेंडली बैग्स आते हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसको मैंने डाल दिया इस बास्केट के अंदर और इसी में रखता था मैं रात को। फिर बाद में मैं एक केज लेता आया जो कि मेरे को 300 का पड़ा। आप क्रेट या केज कुछ भी ले सकते हो, मेरे को ये पॉकेट फ्रेंडली लगा तो मैंने ये ले लिया। केज के साथ ये होता है कि आपका डॉग अगर गंदा भी करता है तो नीचे आप कुछ भी लगा सकते हो प्लास्टिक, और उसको निकाल के आराम से साफ़ कर सकते हो, और बास्केट में वो पॉसिबल नहीं है। मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप क्रेट या फिर केज ले लें। अगर आपका लार्ज ब्रीड डॉग है फिर तो आप बड़ा क्रेट ही खरीदें, क्योंकि वो बहुत जल्दी बड़े होते हैं। तो केज सेटअप कर लिया हमने, इसके अंदर रख देंगे इनके खाने और पानी का बोल। स्टार्टिंग में आप बोल ना ही रखें तो बेटर है, उसके जगह आप किसी डब्बे का ढक्कन रखें, क्योंकि उससे थोड़ा इजी हो जाता है इनके लिए खाना खाना। बड़े बोल में खाने से डरते भी हैं ये। और उसी गद्दे को मैंने छोटा करके केज के अंदर डाल दिया है। आप पपीज का फीडिंग केज के अंदर ही करें, उससे ये होगा कि आपके पपीज उसको हैप्पी प्लेस समझेंगे। आप अपने डॉग को लाते ही केज में ना डालें, धीरे धीरे उनको केज से फैमिलियर करवाएं। जैसे मैं जब लेके आया था लूना को, तो पहले दिन रात में भी केज का गेट खुला छोड़ दिया था, वो खुद पे खुद अंदर जाके दूसरे दिन से सोने लगी। तो आप भी अपने डॉग को फैमिलियर होने दें केज से। मे भी आपका डॉग 1-2 दिन लगाए फैमिलियर होने में, बट अगर आप ज़बरदस्ती अंदर डालोगे तो वो फिर बहुत शोर मचाएंगे और आप कभी क्रेट ट्रेन नहीं कर पाओगे उनको। तो भाई, रात का सेटअप तो पूरा हो गया, अब दिन में क्या करना है, क्योंकि दिन में भी तो डॉग सुसुपॉट ही जाएगा, वो कहाँ जाएगा। तो आपका जब पपी बहुत छोटा होता है 45 दिन या 2 महीने का, तो बाहर ले जाना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इन स्टेजेस में पपी को इन्फेक्शन बहुत जल्दी होता है। तो मैं घर के बाहर लेके जाता ही नहीं लूना को, रूम के अंदर ही हमने सेटअप कर दिया एक। तो हमने लिया एक कार्डबोर्ड, उसको 2 साइड से फाड़ा और इसमें हमने टिक और फ्लीज वाला स्प्रे मार दिया, फेप्रोनिल स्प्रे, क्योंकि फ्यूचर में इसमें कीड़े ना आ जाए। और फिर इसमें लंबे लंबे न्यूज़पेपर फाड़ के इसके अंदर डाल दिया हमने, तो उसका एक छोटा सा स्पॉट बन गया वॉशरूम जैसा। और थोड़ा ट्रेनिंग देने के बाद ये फिर वहीं जाने लगी वॉशरूम पॉटी के लिए। और ट्रेनिंग कुछ खास डिफ़िकल्ट है नहीं, आपको क्या करना है कि जैसे ही आपका डॉग रूम के अंदर कहीं भी सुसु पॉटी जाए, तो आप कोशिश करिए कि उसके करने से पहले आप उसको उठा के उस बॉक्स में रख दें। जितना फास्ट हो सकता है उसको आप बॉक्स में रखें, और जैसे आपका पपी उस बॉक्स के अंदर वॉशरूम जाता है तो उसको आप साफ़ ना करें, उसको वैसे ही रहने दें 1-2 दिन। थोड़ा ग्रोस है ये, बट मैनेज करना पड़ेगा इतना। तो होगा क्या, उसको स्मेल से ये पता चल जाएगा कि मुझे यही जाना है, और फिर वो रेगुलर भी वहाँ जाएगा, एक स्पॉट फिक्स हो जाएगा, जाके आसानी होगी। बाहर के लिए भी उनको ऐसे ही ट्रेन करेंगे। अभी करीब 15-20 दिन हो गए हैं, 7-8 दिन से तो ये इसी के अंदर ही जाती है वॉशरूम। तो रात में हमने इसे केज में ही रखना है। केज के नीचे तो हमने सैक लगा रखा है, जिसे हम गत्ता भी बोलते हैं। नीचे कुछ भी लगा सकते हो जो भी इजी टू क्लीन हो, या फिर ऐसा कुछ भी जिसको आप डिस्पोज कर सके बाद में। तो ये बेसिक सेटअप है जो कि आप 45 डेज से लेके 4-5 मंथ्स तक के पपी के लिए कर सकते हो। ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं रखना ये सेटअप, क्योंकि हमें फिर इन्हें बाहर का भी आदत लगाना है। स्मॉल ब्रीड है तो 3-4 महीने चल जाएगा, बट अगर लार्ज ब्रीड है तो आप 2 महीने के बाद ही बाहर ले जाना शुरू कर दें। बहुत लोग दिन में भी केज के अंदर रख देते हैं पूरे पूरे टाइम डॉग्स को, बट मैं थोड़ा फ्रीडम देता हूँ डॉग्स को कि दिन में तो थोड़े फ्रीडम में रहेंगे, और इससे इनका हेल्थ भी सही रहता है।
और रात में एक कम्फर्टेबल और सिक्योर जगह चाहिए होता है इनके लिए, क्योंकि ये अभी छोटे हैं। क्रेट या केज इनके लिए बहुत ही सेफ होता है, रात में आपको टेंशन नहीं लेनी होगी किसी चीज़ के लिए, क्योंकि छोटे पपीज बहुत नोटोरियस होते हैं, तो रात में वो कुछ भी कर सकते हैं, यू नेवर नो। दिन में हमारे पास टाइम होता है तो हम दिन में एक एक घंटे पे देख लेते हैं आके कि सब ठीक तो है। बाकी आप रूम को सुपर क्लीन रखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो आपने कार्डबोर्ड से वॉशरूम कॉर्नर बनाया है उसको आप डेली साफ़ करें। अपने रूम में एक छोटा सा डस्टबिन भी रख लें जिसमें ढक्कन ऊपर टिश्यू पेपर और न्यूज़पेपर भी रखें। खाने में अभी हम इसे स्टार्टर फीड खिला रहे हैं, कभी कभी नहीं खाती है तो उसमें थोड़ा सा सरलक मिला देते हैं। फीड ऐसे ही ना दें आप, उसको पानी में सोक करके दें अगर आपका पपी छोटा है तो। और पपी रखने के बहुत सारे तरीके हैं, हमें ये अच्छा लगा तो हमने ऐसे ही रखा इसे। अपने फर्स्ट डॉग को हमने दूसरे तरह से रखा था तो उसमें बहुत प्रॉब्लम हुआ था, तो ये चीज़ें हमने थ्रू आउट द टाइम सीखी हैं। मैं ज़्यादातर जो इन्फॉर्मेशन देता हूँ अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से देता हूँ, जो भी अपनी एक्सपीरियंसेस और गलतियों से सीखी है मैंने। और एक बार फिर बता दूँ मैं कि ये वॉशरूम वाला सेटअप टेम्पररी सेटअप है, लॉन्ग टर्म के लिए आप इसे आदत ना लगाएं। जब आपके डॉग का दोनों वैक्सीनेशन हो जाए अच्छे से तो आप उसे बाहर ले जा सकते हैं, बाकी इमरजेंसी में भी ये काम आ सकता है आपके। या फिर आप 5-6 दिन बाहर जाने की सिचुएशन में नहीं है तो आप ये टेम्पररी सेटअप कर सकते हैं। बाकी मैं इसको जब 2 मंथ की हो जाएगी तब से बाहर ले जाना शुरू कर दूंगा। और केज या फिर क्रेट तो आप जब चाहें तब तक यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, वो आपके लिए और ज़्यादा अच्छा ही होगा। तो फिर आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ। टिल देन कीप लविंग एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।